नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विक्रमजीत सिंह है और मैं आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका में एक फिजिशियन और इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में, क्योंकि डायबिटीज़ एक अक्सर आजकल एक बहुत तेज़ गति से फैलने वाला लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जिसकी जो मेन सिम्टम है, जिसकी जो मेन पहचान है, वो हाइपरग्लाइसीमिया है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ज़्यादा शुगर होना। डायबिटीज़ प्रेडोमिनेंटली दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2, बट इसके अलावा भी जेनेटिक डायबिटीज़ है, जिसको मॉडी के नाम से कहा जाता है, या माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन डायबिटीज़ है, बट यह अक्सर बहुत कम पाई जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो यह बीमारी का कारण मेनली आपके इम्यूनिटी पे अटैक होना होता है। जब कोई बीमारी अक्सर कोई वायरल फीवर इस प्रकार से अटैक करते हैं आपके पैंक्रियाज के सेल्स के ऊपर कि उसकी वजह से वह जो इंसुलिन बनाने के जो सेल्स हैं, जो बीटा सेल्स हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया होने लगता है, क्योंकि जो भी शुगर बॉडी में होती है उसके काउंटर करने के लिए शरीर में इंसुलिन नहीं होती। अक्सर यह बीमारी के अंदर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और मगर यह एक बहुत इमीडिएट प्रोसेस नहीं होता, यह प्रोसेस धीरे धीरे चलता है और अचानक एक पॉइंट पर आकर हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा हो जाता है जब मरीज की हालत ख़राब होने लगती है। और यह हमने देखा है कि अक्सर यह बीमारी छोटी उम्र में बच्चों के अंदर मिलती है, बड़ों में भी होती है, जिसको हम लाडा कहते हैं, बट अक्सर यह बीमारी छोटी उम्र में बच्चों को मिलती है। अनुवांशिक कारण बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। हमने अक्सर देखा है कि दो जुड़वा बच्चे होते हैं, जहाँ पर एक को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जबकि दूसरे को नहीं होती। बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो यह अनुवांशिक इसके अंदर कुछ रोल होता है अनुवांश का या जेनेटिक फैक्टर्स का। जैसे कि अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो आप बहुत हाई रिस्क पे रहते हैं, मगर ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स ही इसमें रोल प्ले करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स या पर्यावरण के फैक्टर्स, जैसे आपका वज़न, आपकी डाइट ठीक से ना होना, आपकी जीवन शैली ठीक से ना होना, और कई बार हमने देखा है कि अक्सर जब आपको कोई बड़ी बीमारी होती है या आप अस्पताल में भर्ती होते हैं, उस समय पर डायबिटीज़ प्रेसिपिटेट करती है, उससे पहले बॉर्डरलाइन तरीके से चलती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप इस बीमारी का रोकथाम कर सकते हैं। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ आपकी फैमिली में है तो आप इसका रोकथाम कर सकते हैं अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपने वजन का ध्यान रखें। आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी में हमारे पास बहुत अच्छा इंटरनल मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, जहाँ पर डायबिटीज़ के सारे अच्छे स्पेशलिस्ट बैठते हैं। आप आइए, हमसे संपर्क कीजिए। अगर आपकी लो शुगर्स हैं, आपकी हाई शुगर है, दोनों ही सूरतों में हमारा डिपार्टमेंट आपकी मदद करेगा और यहाँ पे मौजूद सभी फैसिलिटीज़ और स्पेशलिस्ट का लाभ उठाएं। थैंक यू।